नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बीके में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पचौरी, मैं राशि राय। शुरू करते हैं खबर फटाफट, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहिए न्यूज बीके के साथ। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। यार जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, अरे सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भैया कर रहे हो सुसर, तुम कान खोल के सुना है तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, पहली खबर झांसी से। महाराजा खेर सिंह जूदेव की जयंती के उपलक्ष्य में मऊरानीपुर के दमेले फील्ड में शुरू हुई राज्य स्तरीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता, मुख्य अतिथि अजय सिंह व ऋतु राज सहित उप जिलाधिकारी व आयोजक रहे मौजूद। झांसी में सच्चे कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान, डीएम ने भरे मन से चिकित्सकों की प्रशंसा। झांसी के दीनदयाल सभागार में ऐसे 450 स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया है सम्मानित, इनमें से 200 कर्मचारी वह हैं जो घर घर जाकर करते थे सैंपल कलेक्ट, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का भी हुआ सम्मान। तो वहीं झांसी में सोशल मीडिया पर अनगल पोस्ट कर धर्म विशेष की टिप्पणी करने वाले अराजक तत्व पर उठी कार्रवाई की मांग, ब्राह्मण समाज के लोगों ने इलाइट चौराहे पर भीम आर्मी के नेता व किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला फूंक कर किया विरोध प्रदर्शन, अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। झांसी के सीपरी थाना में एक बैठक हुई आयोजित, नेताओं के साथ समाज सेवी व किसान भी हुए शामिल, नए वर्ष में सभी से शांति व्यवस्था को कायम रखने की गई अपील। झांसी एसएसपी के निर्देशन में फिर हुआ एक खुलासा, कोतवाली पुलिस ने पकड़े 3 शातिर बाइक चोर, मोटरसाइकिल बरामद, अन्य चोरी के खुलासों के लिए की गई पूछताछ। झांसी में विधायक सेवार्थ रथ घर घर पहुँच कर टिटुरन में लोगों को दे रहा राहत, सदर विधायक रवि शर्मा व उनके प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे कर रहे हैं हर असहाय की मदद, गरीबों की जानकारी मिलने पर नगर के पुलिया नंबर 9 पर पहुंचकर भीषण ठंड से परेशान असहाय व विकलांगों को बांटे कम्बल। तो वहीं झांसी जिले के मोहन लाल सुमन ने एक बार फिर झांसी का नाम किया रोशन, अपनी लगन और मेहनत से विद्यालय की स्थिति बदलने वाले शिक्षक, पहले भी 3 बार अपने बेहतरीन नवाचारों से पा चुके हैं राष्ट्रीय सम्मान, रोहटा के एक विद्यालय में तैनात है चर्चित मोहनलाल सुमन। झांसी में उग्र किसानों को प्रदर्शन से पुलिस ने रोका, दिया कोविड-19 के चलते धारा 144 का हवाला, किसान बोले हमें सिंचाई के लिए पानी, बिजली और खाद बीज जैसी समस्याओं से ग्रसित, नहीं सुन रहा कोई अधिकारी। तो वहीं भरुआ सागर के धमना चौकी में आयोजित किसान गोष्ठी में किसानों ने दर्ज कराई तमाम समस्याएं, तहसीलदार लक्ष्मी नारायण सहित थाना प्रभारी सुनील कुमार ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, किसान गोष्ठी में पेयजल सिंचाई सहित अन्य जानवरों की समस्या से है ग्रामीण परेशान। झांसी के गगरबई में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट धाम की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, ग्रामीण इलाकों से आए कुल 226 मरीजों का हुआ नेत्र परीक्षण, 124 मरीजों को ऑपरेशन के लिए किया गया चिन्हित। ककरवाई के ग्राम परसुआ में आयोजित हुआ जय बजरंग क्रिकेट टूर्नामेंट, ब्रजेश तिवारी प्रधान की अध्यक्षता में हुआ आयोजन, उद्घाटन मैच में बामौर व गुरसराय की टीमों का हुआ मैच, बामौर ने की जीत हासिल। झांसी के कस्बा पूछ स्थित भगवान मायानंद गुरुकुल आश्रम इंटर कॉलेज में दीपशिका सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा छात्राओं के लिए आयोजित किया गया 2 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झांसी से आए मार्शल आर्ट शिक्षकों ने सिखाया आत्मरक्षा के तरीके।
झांसी के टोडी फतेहपुर में 3 दिन के अवकाश के बाद खुला पंजाब नेशनल बैंक। ग्राहकों की लगी लंबी लाइन है, जिसमें लोग भूल गए कोविड-19 के नियम। ना था कहीं मास्क, ना ही थी कहीं 2 गज दूरी, कैसे रुकेगा कोरोना। झांसी के थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम खलीलपुरा बंगरौनी में कबूतरा डेरा पर आबकारी विभाग एवं पुलिस टीम ने की छापेमार कार्रवाई। 2 महिलाओं पर कार्रवाई, 110 लीटर कच्ची शराब की गई बरामद। जालौन में गौशालाओं को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। जालौन में बड़े अधिकारियों ने किया दौरा। गौशालाओं में बद इंतजामी और गौ वंशों की दुर्दशा तथा किसानों के खेतों तक पानी ना पहुंचने की मुख्यमंत्री स्तर पर हुई शिकायतों के बाद हुई है जांच शुरू। हो सकती है जिम्मेदारों पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। जालौन के कोंच में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन में आटा टोल प्लाजा शामिल होने जा रहे 1 दर्जन कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने पंचानन चौराहे से किया गिरफ्तार। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरिता अग्रवाल सहित 1 दर्जन कांग्रेसी नेताओं को किया गया गिरफ्तार। कालपी के भूरेश्वर मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच रहे हैं नगरवाद क्षेत्र के सैकड़ों भक्त। संगीतमय कथा को सुनकर झूमे श्रोता, तो कथा के भावुक क्षणों में भाव विभोर हुए भक्त। आयोजक सुधा विश्वकर्मा ने बताया कि आधुनिक युग में श्रद्धा ना हो दूर, इसलिए कराया आयोजन। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने किया थाना पाली का औचक निरीक्षण। अभिलेखों के रख रखाव पर जताई नाराजगी। पुलिस कर्मियों के कसे पैंच, सभी को कानूनी धाराओं के संबंध में समुचित ज्ञान रखने की कही बात। साफ सफाई की व्यवस्था पर जताई संतुष्टि। ललितपुर में समय से वेतन न मिलने से आक्रोशित संविदा विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत विभाग का किया घेराव। अधिशासी अभियंता राकेश कुमार के समक्ष रखी अपनी मांगे। समय से वेतन दिलाने के साथ सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की उठाई मांग। पुलिस बल रहा तैनात। पुलिस नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर हीरालाल, पुलिस उप महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद के अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई। मंडलायुक्त झांसी ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ किया नगर में पैदल गश्त, जनता को कराया सुरक्षा एहसास। ललितपुर के जागरण कस्बा के लोगों ने नगर पंचायत बनाए जाने के लिए जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों की संख्या में जागरण वासी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। ललितपुर के कुआतला गांव में ग्रामीणों ने लगाया गांव के ही प्रधान पर सरकारी कुएं पर कब्जा करने का आरोप। जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। सरकारी कुएं को उन्हें सुचारू रूप से चालू कराए जाने के लिए दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। ललितपुर का जिला युवा अधिवक्ता संघ भी उतरा किसान बिल के विरोध में। जिलाधिकारी ललितपुर को दिया ज्ञापन, केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लिए जाने की रखी मांग। ललितपुर में अवैध कट्टे की दम पर पैसों की वसूली। अवैध कट्टे सहित 2 युवकों का वीडियो वायरल। पीड़ित ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एसपी से की शिकायत। तालबेहर कोतवाली क्षेत्र बड़ी खुर्द गांव का है मामला। समाजवादी पार्टी ललितपुर जिला अध्यक्ष तिलक यादव एडवोकेट के नेतृत्व में गांव-गांव में चौपाल लगाकर किसानों से की जा रही है चर्चा। सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिल के विरोध में किसानों को दी जा रही है जानकारी। सरकार पर दबाव बनाकर बिल वापस लेने की कही जा रही है बात। तालबेहट के प्रसिद्ध तीर्थ धाम देव माता प्रांगण में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 4th दिन श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनकर श्रद्धालु हुए भाव विभोर। कृष्ण जन्म होते ही पंडाल में गूंजने लगी बधाइयां। कथा श्रवण के लिए प्रतिदिन लग रही हजारों श्रोताओं की भीड़। कानपुर देहात के अकबरपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात सौम्या पांडे निभा रही 2 बड़ी जिम्मेदारी। ईमानदारी वाली छवि से जाने जाने वाली सौम्या ड्यूटी के साथ नन्हे बच्चे को गोद में लेकर निभा रही माँ का भी फर्ज। लोग कह रहे हैं माँ तुझे सलाम। आखिरी खबर इटावा से। इटावा में रिश्वतखोर मंडी निरीक्षक का गेट पास के नाम पर रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। गाड़ी पास कराने के नाम पर ले रहा था पैसा। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई। रिश्वतखोर निरीक्षक को किया गया निलंबित। तो ये थी आज की कुछ खास बड़ी खबरें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए न्यूज बीके के साथ। नमस्कार। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज,
बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊ रानीपुर, झांसी।